हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं धर्मवीर कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिक ऑफ फ्रेडिस यूट्यूब चैनल। यहां आपको बताया जाता है डीडी फ्रेडिस में होने वाले प्रॉब्लम्स का अच्छे से अच्छा सलूशन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे टीवी स्क्रीन पर नो टीवी प्रोग्राम लिखा आ रहा है, और यहां पे ऑटो स्कैन करते हैं तो लिखा आता है नो प्रोग्राम फंड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इसे ऑटो स्कैन करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ऑटो स्कैन करने के लिए जाना होगा आपको प्रोग्राम सेटअप में, और प्रोग्राम सेटअप में देखिएगा चौथा नंबर पर ऑटो स्कैन है। तो दोस्तों, ऑटो स्कैन में जाने के बाद यहाँ से ओके करेंगे, और फिर यहाँ पे आपको ओके कर देना। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये ऑटो स्कैन होने लगेगा दोस्तों। तो ये देखिए ऑटो स्कैन होने लगा है। तो दोस्तों, इसे ऑटो स्कैन होने देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, ये देखिए आपका ऑटो स्कैन कम्प्लीट हो चुका है, और कम्प्लीट होने के बाद ये देखिए लिखा आ रहा है नो प्रोग्राम फंड। तो दोस्तों, इस नो प्रोग्राम फंड को कैसे दूर करते हैं, इसे कैसे ठीक करते हैं, यही बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहां पे आप अपने डिश एंटीना को हिला हिला कर मूव करके तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, या कोई भी प्रोग्राम सेटअप कर लीजिए, ये ठीक नहीं होने वाला। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इसे एकदम आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसे ठीक करने के लिए दोस्तों आपको एक पैरामीटर सेटअप करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पैरामीटर सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा सिस्टम सेटअप में, और सिस्टम सेटअप में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। जैसे ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जाएंगे दोस्तों, ऊपर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना होगा। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्टली आपके पास 50-60 चैनल आ जाएगा। ये चैनल आएगा लेकिन इसका फ्रिक्वेंसी ठीक नहीं है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ सिग्नल नहीं आएगा। आप यहाँ पर भी डिश एंटीना को हिलाकर तोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक पैरामीटर सेटअप करना होगा। तो दोस्तों, पैरामीटर सेटअप करने के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसलिए किया कि क्योंकि वहाँ पर कोई चैनल नहीं आ रहा था, जिसके कारण आप पैरामीटर सेटअप नहीं कर सकते थे दोस्तों, इसलिए मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू करके 50-60 चैनल लिया। तो दोस्तों, देखिए कि पैरामीटर में जाने के बाद दोस्तों आपको एक LNB फ्रिक्वेंसी सेट करना होगा, जो कि 05150। यहाँ पर भी आपको 05150 सेट करना है। दोनों में 05150 करने के बाद नीचे आपको ट्रांसफ़र फ्रिक्वेंसी में आपको करना होगा 03033390, ये करना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको 29500 करना है दोस्तों, 29500। और इसे सेट करने के बाद नीचे प्लारिटी में आपको भी रहने देना है, यहाँ 22 के ऑफ ही रहने देना है दोस्तों, इसे भी ऑफ रहने देना DISEQC को। और वीडियो PID में आपको डालना है, वीडियो PID में डालना है दोस्तों आपको 51663। उसके बाद डालना है दोस्तों 6163। उसके बाद फिर डालना है PCR PID 5163। और ये डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके पर प्रेस करेंगे तो एक आपके सामने ऐसा आएगा, उसके बाद फिर से ओके प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पैरामीटर सेट हो गया, जो कि रिपब्लिक भारत का है। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप सिग्नल बटन दबा देना। तो जैसे ही सिग्नल बटन दबाएंगे तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा सिग्नल 4-5 और सिग्नल इंटेंसिटी 85 के आसपास में है दोस्तों। तो इससे साफ पता चलता है कि आपका केबल कनेक्टेड है, ये केबल आपका जुड़ा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं कि केबल हटा कर मैं आपको दिखाया हूँ। अब यहाँ पे करना ये होगा दोस्तों कि आपको जाना होगा अपने छतरी के पास, और अपने छतरी को मूव करना होगा, अपने डिश को मूव करना होगा। तो ये देखिए, जो भी मैंने पैरामीटर सेट किया वो रिपब्लिक भारत आर भारत का है दोस्तों। तो मैं अब क्या करता हूँ कि जाता हूँ अपने छतरी के पास, और अपना छतरी को हिलाता हूँ, छतरी को मूव करता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने छतरी को मूव किया तो कुछ सिग्नल आ रहे हैं, 24, 25, 26। तो इसी प्रकार से मूव कर करके आपको आगे बढ़ाना है।
तो ये देखिए लगभग 32 आ गया, 32 अभी और भी इसे बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा सिग्नल रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं आपको ये दिखाने के लिए, अभी बाद में मैं इसे बढ़ा दूंगा, आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया था। तो ये देखिए दोस्तों 33-34 सिग्नल आ गया, और अब क्या करना है दोस्तों, रिमोट से मेनू बटन दबा लेना, और ये देखिए दोस्तों सिर्फ DD1 पर जो मैंने पैरामीटर सेट किया था वहीं पे चैनल आ रहा है। तो अब क्या करना है, ये सभी चैनल को डिलीट कर देना है, डिलीट ऑल करके। और ये सभी चैनल डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा फिर से ऑटो स्कैन में, और यहाँ पर फिर से आपको ऑटो स्कैन करना है। तो ये देखिए दोस्तों ऑटो स्कैन हो रहा है दोस्तों, तो ये देखिए बहुत सारे चैनल आ रहे हैं। जब आपका सिग्नल आ जाएगा दोस्तों, तो जब आप ऑटो स्कैन करेंगे तो सारा चैनल आएगा दोस्तों। ये देखिए बहुत सारे आज तक तेज बहुत सारा कितना जाने कितने चैनल आए दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, लेकिन आपको ध्यान से इसे समझना होगा दोस्तों, क्योंकि कई लोग इसे ध्यान से नहीं देखते हैं, ध्यान से नहीं समझते हैं और उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारे चैनल आ चुके हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत सारे चैनल है दोस्तों। मैं अभी आपको लगा कर दिखाता हूँ कि कौन कौन सा चैनल आया। देखिए फक्त मराठी है दोस्तों, ये फक्त में, यहाँ पर मैं आपको ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएगा दोस्तों, तो इसे मैं ब्लर कर दिया हूँ। और देखिए और भी बहुत सारे, ये MTV बीट्स था, लॉर्ड बुद्धा है, और भी बहुत सारे चैनल आ गए हैं दोस्तों, मतलब लगभग जो DD फ्रीडिस पे देता वो सारे चैनल आ चुके हैं दोस्तों। DD इंडिया है, जिंग है, और भी बहुत सारे चैनल हैं दोस्तों। और भी देखिए महा पंजाबी, जी पंजाबी, DD स्पोर्ट है, और भी बहुत सारे चैनल हैं दोस्तों। और भी मैं आपको चैनल दिखाना चाहूँगा, ये आज तक है दोस्तों, ये रहा रिपब्लिक भारत, जिसका पैरामीटर सेट करके मैंने आपको सिग्नल लाना सिखाया हूँ। ये देखिए न्यूज नेशन है, तो बहुत सारे चैनल आ चुके हैं दोस्तों, और इस प्रकार से आप भी अपना चैनल ला सकते हैं।